डिफॉल्टर को ही हम लोग कर्ज माफी करेंगे। कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है। पिछली सरकार ने बड़े दावे किए, कर्ज माफी के संदर्भ में सर्टिफिकेट बांटे और 8000 करोड़ का दावा किया। हकीकत में जब सरकार संभाली उस वक्त मात्र 2000 करोड़ रुपए ही। तो कांग्रेस संसाधन भी जनरेट करेगी। प्राथमिकता से कर्ज माफी का जो फैसला सरकार में लिया गया और जो घोषणा की गई, उन दोनों को लागू करेंगे। भूमि विकास बैंक या बाकी संस्थाओं के संदर्भ में भी वो की वो भ्रांति फैलाई जा रही है। दीर्घकालिक जो ऋण लिया गया लिया है और लोन चुकाया है, उसको भी हम एक ईमानदार किसान को कैसे प्रोत्साहन दे सके, उनके बारे में भी सरकार सोच रही है। तो सभी वर्गों, चाहे डिफॉल्टर हो, चाहे ईमानदार किसान हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक से लिया हुआ, चाहे भूमि विकास बैंक से लिया हुआ, सभी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जाए, ये व्यवस्था की जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान कि उनका किस रूप से राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो किया है। 9 तारीख की रैली के लिए और 9 तारीख